23 और 24 सितंबर को देश के गृह मंत्री बिहार का दौरा करेंगे। उनका शामियाना सीमांचल में गड़ेगा, लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति एकदम गर्म हो गई है। इस दौरे की इतनी चर्चा क्यों है? सियासी गलियारों से क्यों बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं? जी बिहार झारखंड में आज यही है खास और मैं हूं अमिता किशोर। शाह के दौरे से पहले भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के दौरे से ये इलाका बहुत मजबूत होगा, देश के गृह मंत्री आएंगे, इसमें किसी और पार्टी को क्या ऐतराज है? अमित शाह के आने से आरजेडी जेडीयू इतने परेशान क्यों हैं? अमित शाह के नाम से उन्हें इतना डर क्यों लगता है? अमित शाह के आने से समवर्ती इलाके और पूरे बिहार में विकास की गति आगे बढ़ेगी। अमित शाह जी के दौरे से, केंद्रीय गृह मंत्री के आने से वो इलाका और मजबूत होगा, देश के गृह मंत्री आएंगे, इस पर किसी और पार्टी को क्या ऐतराज है? वो अपने देश में अभिन्न अंग है, अपने राज्य का। यहाँ बिहार के नेता कह रहे हैं हम दिल्ली चले जाएंगे, फूलपुर चले जाएंगे, और अमित शाह जी अगर यहाँ सीमावर्ती इलाके में आ रहे हैं तो उसका बिहार सरकार को भी स्वागत करना चाहिए, देश के गृह मंत्री जी जैसे पहले करते रहे। सरकार बदल जाने से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रोटोकॉल तो नहीं बदलता है ना। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, मंदिर में पूजा कर सकता है, लेकिन इन लोगों का उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है। ये समाज में तनाव का माहौल कायम करना चाहते हैं। मंदिर में कोई दर्शन करे, मस्जिद में जाए, इस बात से किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? लेकिन बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता पूजा की दृष्टि से, इबादत की दृष्टि से तो जाते नहीं है मंदिर में। मंदिर में जाते हैं, कुछ इस तरह का मैसेज वहाँ से देने की कोशिश करते हैं कि समाज में तनाव हो जाए। अब समाज में तनाव करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने के मकसद से अगर मंदिर की यात्रा होती है तो यह गलत है। और बीजेपी के जो भी नेता हैं या आप बता रहे हैं पूर्णिया या किशनगंज में आएंगे और मंदिर में जाएंगे, उसके पीछे और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही मकसद, क्योंकि उस इलाके में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की ज़्यादा आबादी है, तो इस तरह का कुछ काम करो ताकि समाज में एक तनाव का वातावरण पैदा हो। उधर लालू यादव ने कहा कि किशनगंज के अररिया इलाके में अमित शाह आकर घूमेंगे, ये लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं, हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार भी सजग हैं, मस्जिद पर झंडा, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा, ये सब क्या पाखंड है? ये लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाने में लगे रहते हैं। जाहिर है शाह के दौरे को लेकर गठबंधन में हलचल है, यहाँ तक कि शाह के दौरे के तुरंत बाद सीमांचल में गठबंधन अपनी रैली करने जा रहा है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि शाह के दौरे के बाद गठबंधन रैली करके बीजेपी को करारा जवाब देगा। देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह आके घूम रहे हैं, जरूर के मन में काला बनाया, चाहता जो भी आप लगा के और हम शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार सजग है, हम लोग के पास होते रहते हैं। अमित शाह पहले पूर्णिया में जन भावना रैली करेंगे, फिर किशनगंज में उनकी दो बैठक है। सवाल है कि इस एक दौरे पर इतना बवाल क्यों मचा है? दरअसल बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच अलगाव के बाद स्थितियां बदल गई हैं। सीमांचल के कई इलाकों में अल्पसंख्यक आबादी 70% तक है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के जीते हुए 5 में से ज्यादातर विधायक अब राजद का दामन थाम चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनावों में 4 में से 3 सीटों पर एनडीए जीती, जबकि एक किशनगंज वाली सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। याद रखिएगा, उस चुनाव में एनडीए के खाते में बिहार की 40 में से 39 सीटें गई थी। अब जबकि राजद, कांग्रेस, जेडीयू एक हो गए हैं, तो सीमांचल ही नहीं बिहार में भी स्थितियां बदल चुकी हैं। गठबंधन तो 2024 के चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने के दावे कर रहा है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि अगर बिहार के गठबंधन वाले किले में बीजेपी को सेंध लगानी है तो सीमांचल से बढ़िया रास्ता नहीं हो सकता। गठबंधन आरोप लगा रहा है कि बीजेपी यहां ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। अगर बीजेपी का ये दांव कामयाब रहा तो सीमांचल का समीकरण बदलेगा,
और पूरे बिहार का ही नहीं बंगाल के कुछ हिस्सों पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में गठबंधन का सचेत रहना वाजिब है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।